इसको ऐसे इसके ऊपर पलट लेना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आप पलट के कट करोगे तो आपकी पैंट दोस्तों एकदम से प्रॉपर सही प्रेस में बैठेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी और इसकी फिटिंग एकदम शानदार तरीके से आएगी। अब यहाँ से दोस्तों निकल जाएगी पैंट इसमें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका कपड़ा बिल्कुल खराब नहीं होता है ऐसे कट करोगे तो। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कितना कपड़ा इसमें खराब हो रहा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक पैंट कटिंग करना बताएंगे दोस्तों, 37 कमर की पैंट। तो दोस्तों मेजरमेंट आपको बताएंगे, उससे पहले आपको कपड़ा बिछाना बताते हैं दोस्तों। जो कपड़े की राइट साइड है उसको अंदर करना है और उल्टी साइड को बाहर की साइड में रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको किनार के साथ किनार को मिलाते हुए कपड़े को बिछाना है सबसे पहले। इसके बाद में दोस्तों आपको इस तरीके से डबल करना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब एक यूनिक मेथड बताएंगे पैंट कटिंग करने का, और इसमें आपका कम कपड़ा हो उसमें भी आपकी बड़ी थाई कट कर सकते हैं, यानी कि पट बड़े कट कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले एक ऊपर मार्क करना है कपड़े को सीधा करने का। तो इसके बाद में दोस्तों पहले मेजरमेंट देख लीजिए, 35.5 पैंट की लेंथ है, 37 इंच कमर है, 41 इंच हिप है, 27 इंच पट है इसके, और दोस्तों 14 इंच की बॉटम है, और जो इनसीम है दोस्तों इसमें 25.5 है। इनसीम के बारे में दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, प्रॉपर जानकारी दूंगा कि इनसीम क्या होती है। तो दोस्तों अब यहां से आपको 1 इंच ऊपर निकाल देना है और पैंट की लेंथ का मार्क करना है 35.5। 35.5 पे मार्क करेंगे, और दोस्तों नीचे बॉटम फोल्ड के लिए 2.5 से 3 इंच आपको अलग रखना है, वो हमने 3 इंच रख लिया। इसके बाद में 25.5 इसकी इनसीम है, तो यहाँ पे मैंने 25.5 पे मार्क किया। तो दोस्तों अब मैं आपको इनसीम के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ, यहाँ पे वीडियो में देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पैंट की लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों जितनी भी पैंट की लेंथ रखनी है वहां तक आप नाप लीजिए। इसके बाद में दोस्तों इनसीम का मेजरमेंट हम लेते हैं पैंट के मेजरमेंट में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, और यहाँ पे आपको लगाना है, और जितनी लेंथ रखिए, थोड़ा पैर खोलना, तो यहाँ पे जितना नापते हैं। तो दोस्तों पैंट की लेंथ 40 थी, अब इसकी इनसीम की जो लेंथ है वो 30 इंच है। तो दोस्तों सिंपली बात है कि 10 इंच का इसका लटक निकल गया है। तो 10 इंच में से दोस्तों 1 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये इतने मार्क करने के बाद में आपको इन मार्कों को सीधा करना है, किनार को छोड़ने का एक मार्क करना है यहाँ पे। इसके बाद में 27 इंच थाई है, तो यहाँ पे इस कपड़े को ऐसे आप थोड़ा और खोलेंगे आगे इस तरीके से। तो यहाँ से 13.5 पे मार्क करना है, तो यहाँ पे 13.5 आया, 27 इंच हो गया। यहाँ पे अब 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। अब 27 का हाफ करेंगे ऐसे, यानी कि 13.5 का हाफ। अब इसको यहाँ से नापेंगे, ये दोस्तों 7.25 है, तो यहाँ पे किनार से 7.25 रखेंगे। दोस्तों 14 इंच इसकी मोरी है, तो 3.5 इस साइड में और 3.5 ही इस साइड में, 14 इंच। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको नॉर्मली शेप फट्टी की मदद से शेप करनी है, उससे पहले इन मार्कों को सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे शेप फट्टी रखनी है, और इस मार्के को ऐसे कंप्लीट कर लेना है, और इस साइड के मार्के को इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे हल्का सा करेंगे क्रॉस, ताकि जब बॉटम फोल्ड करें तो उसमें रिंकल ना आए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस मार्के को अपने पूरा कर लेते हैं ऐसे, और इसको करेंगे दोस्तों सीधा। 37 इंच इसकी कमर है, 37 इंच। तो दोस्तों 37 का 1/4 होता है 9.25 इंच, और 1 इंच मार्जिन का दोस्तों 1.5 इंच प्लेट के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से
ऐसे आया अपना, ठीक है दोस्तों। अब इसको यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से, इसको यहाँ पे इस तरीके से सही कर लेंगे दोस्तों। लगभग सामने को अपने 1 इंच डाउन करेंगे तो इस तरीके से ये मार्क करेंगे, और ये ऐसे राउंड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्क लग चुके हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग देखिए कैसे करना है, इसके बाद में आपको प्लेट्स वगैरह के मार्के लगाने भी बताएंगे। इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखें कि नीचे का कपड़ा आप इसके साथ मत कट कर देना, ठीक है। पीस को ऐसे इसके ऊपर पलट लेना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप पलट के कट करोगे तो आपकी पैंट दोस्तों एकदम से प्रॉपर सही प्रेस में बैठेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसकी फिटिंग एकदम शानदार तरीके से आएगी। ऐसे कट करना है दोस्तों, इसके बाद में इसको ऐसे सीधा कट कर लेना है, और यहाँ पे है इसका मार्क, तो यहाँ पे इसकी बॉटम फोल्ड होगी। अब दोस्तों यहाँ पे नोचिस लगा लें इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये नोचिस लगा लेनी है। अब मैं इसको कर लेता हूँ साइड पे, अब इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस मार्के को अब ऐसे सीधा करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें 1.5 इंच की प्लेट थी, तो यहाँ पे पहली प्लेट 1 इंच की, इसके बाद में 1.25 इंच गैप रखेंगे और 1/2 इंच की दूसरी प्लेट। इसमें क्रॉस पॉकेट है दोस्तों, इसके लिए अपने 1.25 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे, और दोस्तों ऐसे 1.5 इंच। अब दोस्तों इनको ऐसे मिला लेंगे ऐसे, ये अपनी प्लेट्स हैं इसमें। अब दोस्तों इसकी डाउनिंग को ऐसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे अपने नोचिस लगा लेंगे ताकि जब पेंट बनाए तो यहाँ पे प्लेट्स डालने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्रॉस पॉकेट रहेगी, क्रॉस पॉकेट के नोचिस लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों राउंड से अपने फ्लाई अटैच होगी, बाकी यहाँ पे नीचे के नोचिस लगे हुए हैं, यहाँ पे इसकी बॉटम फोल्ड होगी। अब दोस्तों बैक पीस की कटिंग करेंगे। बैक पीस की कटिंग कैसे करनी है, इस पीस को दोस्तों अब ऐसे बिछाना है पलटते हुए इस तरीके से। अब दोस्तों क्या है, ये कॉटन कपड़ा था, इसमें ऐसे निकलती नहीं है पेंट, 27-28 थाई कटनी हो यानी पट कट करने हो तो निकलती नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों निकल जाएगी पैंट इसमें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका कपड़ा बिल्कुल ख़राब नहीं होता ऐसे कट करोगे तो, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कितना कपड़ा इसमें ख़राब हो रहा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब दोस्तों ये मार्के को ऐसे इसके बिल्कुल सीधा करना है, और बॉटम में इनको सीधा करेंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों 1.5 इंच रखेंगे, चाहे तो आप 1.5 इंच से एक सूत कम भी रखें तो भी चलेगा, और यहाँ पे अपने सिंपली 2.5 इंच रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसको यहाँ से नापेंगे ये कितना है, 11.25 है तो 11.25 यहाँ पे रखेंगे और ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मार्जिन का मार्क किया। अब कमर का 1/4 का 1/4 इंच 9 इंच 2 सूत और 1 इंच की बैक में प्लेट, इसके आगे 2 इंच सीट की जुड़ाई के लिए। अब इनको ऐसे मिलाएंगे 6 फट्टी से, और इसको यहाँ पे इस तरीके से
दोस्तों अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए पैंट की कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा बचेगा इसमें, यानी कि बड़ी थाई कट करनी हो तो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब 41 इंच की हिप है तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे मार्क कर लीजिए, इसके बाद में इसको ऐसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब 41 इंच है, 20 दूना 40 20.5, और यहाँ पे दोस्तों आपको 1.5 इंच की लूजिंग छोड़नी होगी, क्योंकि दोस्तों प्लेट्स वाली पैंट है, फिटिंग फुल नहीं बना सकते, इसको थोड़ी लूज बनानी पड़ती है ऐसे, और इसको ऐसे। इसका राउंड दोस्तों इसकी जुड़ाई होगी जो इससे आधा इंच नीचे होगी, इसलिए मैंने आधा इंच नीचे राउंड किया, और इस पे कटिंग होगी तो यहाँ पे ऐसे कटिंग करनी है। तो दोस्तों बैक पीस की पूरी मार्किंग हो चुकी है, अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कपड़ा है हमने एक्स्ट्रा रखा है ताकि कभी लूज़ करनी हो तो इस कपड़े का यूज़ करते हुए लूज़ कर पाएँ। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी पैंट की कटिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको 37 पैंट की कटिंग करना बताया, 37 कमर की पैंट। तो दोस्तों इसकी शेप देख लीजिए आप कैसे है। तो दोस्तों ये एकदम से बढ़िया बैठने वाली है जैसे हमने ये कटिंग करके बताया है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे आपकी एक तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और दोस्तों बैठेगी बहुत अच्छी पैंट प्रेस में। अगर आपको पैंट को प्रेस करने के बारे में जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, इसी पैंट को हम प्रेस और स्टिचिंग करके बताएंगे अगले वीडियो में। तो आप इस पे इसी चैनल पे जुड़े रहिए और वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।